हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 ज्योग्राफी में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने अपना ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम क्या है, अपवाह, उसका सेकेंड वीडियो देखा था। और दोनों वीडियो के अंदर अपन ने अब तक क्या देख लिया कि अपवाह अर्थात नदी तंत्र, और नदी तंत्र के अंदर अपन ने बात करी थी कि कुछ नदियाँ तो हिमालय पर्वत से निकलती है और कुछ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। और उसके अंदर अपन ने पढ़ा था सबसे पहले कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के तंत्र, जिसमें तीन तंत्र अपन पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और जिसके अंदर से अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया था, आज अपन पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। तो बच्चों, अभी तक अपन को क्लियर हो ही गया है कि भारत की अपने नक्शा भी अपन देख चुके हैं कि भारत का नक्शा है, यहाँ पर हिमालय होता है और ये अपना प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार और या जिसको अपन कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सरस्वती, ठीक है, और पेनिनसुलर प्लेट्यू से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, चंबल, बेतवा, केन, सोम, ये सब नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। और अभी अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर इसके अंदर देख लिया था सिंधु नदी तंत्र, तो आज देखेंगे अपन गंगा नदी तंत्र। तो बच्चों, गंगा नदी तंत्र को पढ़ने के लिए एक तो ये मैं बता दूं कि गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ा नदी तंत्र है और भारत की जो नदी है गंगा वो सबसे बड़ी नदी है। अब गंगा नदी तंत्र को यदि अपन को पढ़ना है तो इसे दो भागों में बांटना होगा, एक भाग है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। हमने स्टार्टिंग के अंदर भी इसको दो भागों में पढ़ा था, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। और अब जब अपन गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं तो फिर इसको फिर दो उपभागों में बांट रहे हैं, क्योंकि जो गंगा नदी है वो हिमालय से भी निकलती है और प्रायद्वीपीय पठार से भी निकलती है। अब हिमालय से जो गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन से निकलती है, यमुना, घाघर, गंडक और कोसी, ये नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं और इनका उद्गम स्थल हिमालय है। जबकि गंगा नदी की और भी अन्य सहायक नदियाँ हैं जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे चंबल, बेतवा, केन, सोम, ये सब नदियाँ इस प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और यहाँ से फिर ये वापस कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी के अंदर मिल जाती है और ये वापस बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो गंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से। तो बच्चों गंगा नदी का यदि अपन को उद्गम देखना है तो अपन सीधे गंगा नदी का उद्गम नहीं देख पाएंगे। गंगा नदी का उद्गम दो नदियों के रूप में होता है, एक होती भागीरथी नदी और दूसरी है अलकनंदा नदी। तो जो भागीरथी नदी है उसका जो उद्गम है वो गंगोत्री हिमनद से होता है। कौन से हिमनद से, गंगोत्री हिमनद से। और अलकनंदा नदी का जो उद्गम है वो सतोपद हिमनद से। तो ये हमारे उत्तराखंड के अंदर दोनों ही हिमनद है, गंगोत्री हिमनद और सतोपद हिमनद। तो गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम हुआ और सतोपद हिमनद से अलकनंदा नदी का उद्गम हुआ। और ये दोनों नदियाँ फिर आगे आकर के यानी उत्तर पहाड़ों से निकल रही है, उत्तराखंड से निकल रही है, यहाँ उत्तराखंड से दोनों नदियाँ निकल रही है, भागीरथी और अलकनंदा, और ये देवप्रयाग के अंदर आकर के और दोनों नदियाँ मिल जाती है। और देवप्रयाग में अब इसको कहते हैं गंगा नदी। क्या कहते हैं बच्चे उसको, गंगा नदी। तो अभी तक ये पहाड़ी भाग के अंदर बह रही नदी अपनी गंगा नदी, अभी कहाँ बह रही है, पहाड़ी भाग के अंदर, और जब देवप्रयाग के अंदर आकर के इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। फिर ये आगे बहती है और आगे आकर के मैदान के अंदर आ जाती है और हरिद्वार के अंदर यानी मैदानी भाग के अंदर कब प्रवेश करती है, हरिद्वार में आने के बाद। अभी तक तो पहाड़ में बह रही थी गंगा नदी, उत्तराखंड के अंदर जो दो तरह के ग्लेशियर, एक तो गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपद ग्लेशियर, दोनों से भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के रूप में, और यहाँ पर देवप्रयाग के अंदर आकर के इसका नाम पड़ गया गंगा नदी। बच्चों अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि नदी तो एक ही है लेकिन अलग अलग राज्यों में इसका नाम अलग अलग है। अभी आप इसके अंदर देखिए गंगा नदी के कई सारे नाम है, अनेक नाम है। तो अब तभी हम गंगा नदी का जब पर्यायवाची पढ़ते हैं तो इन सब नामों का यूज करते हैं। तो गंगा नदी हरिद्वार के अंदर आकर के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, और अभी तक तो ये उत्तर के अंदर थी, अब यहाँ वापस साउथ की तरफ इसकी यात्रा होती है, लेकिन दक्षिण में आने से वापस ये कहाँ मुड़ जाती है, पूर्व के अंदर मुड़ जाती है। अर्थात ये हिमालय उत्तराखंड से तो स्टार्ट होती है, फिर साउथ में आती है और आकर के वापस पूर्व की तरफ चली जाती है। और पूर्व के अंदर सबसे पहले
उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार में जाती है, बिहार से झारखंड के अंदर साहेबगंज को स्पर्श करते हुए, किसको स्पर्श करती है, झारखंड के अंदर साहेबगंज को स्पर्श करते हुए पश्चिम बंगाल के अंदर प्रवेश कर जाती है। यानी गंगा नदी उत्तराखंड से आई, साउथ में गई और वापस इधर पूर्व की तरफ उसने अब रुख कर लिया है। और पूर्व के अंदर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड के अंदर साहेबगंज को टच करती हुई कहाँ चली गई, पश्चिम बंगाल के अंदर चली गई। और पश्चिम बंगाल के अंदर फरक्का नामक स्थान पे ये दो वितरिकाओं में बढ़ जाती हैं। और इन वितरिकाओं का नाम क्या है, एक तो हुगली नदी के रूप में और दूसरा नाम आ जाता है भागीरथी के नाम में। मैंने आपको कहा था ना कि नदी तो गंगा ही है लेकिन इसके अनेक नाम अपने यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर जब गंगा नदी आती है उत्तराखंड से बहती हुई, थोड़ा दक्षिण में आकर के वापस पूर्व में आकर के पश्चिम बंगाल में आती, और पश्चिम बंगाल के अंदर आकर के इसके दो नाम पड़ जाते हैं, एक तो हुगली जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर चली गई और दूसरी हो जाती है जो बांग्लादेश में चली जाती है और यहाँ पर इसका नाम आ जाता है भागीरथी। अब बांग्लादेश के अंदर जब ये भागीरथी प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। क्या नाम आ जाता है, पद्मा। यानी बांग्लादेश के अंदर अब इसको पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। नदी गंगा ही है, इसी गंगा नदी को पश्चिम बंगाल कोलकाता के अंदर, हमारा कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है तो कोलकाता में यही गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है, हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, जबकि बांग्लादेश के अंदर ये पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। अब ये जब पूर्व के अंदर चली गई है और बांग्लादेश के अंदर पद्मा नदी के नाम से जानी जा रही है, अब यहीं पर उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है। देखो बच्चों, गंगा नदी है, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में आ गई है, एक नदी जो पश्चिम बंगाल से होती हुई उधर बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी हुगली नदी के रूप में, जो दूसरी जो बांग्लादेश में चली गई थी वहां पर एक पद्मा के नाम से जानी जाएगी, और यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर ही ब्रह्मपुत्र नदी भी आकर के इसके अंदर मिक्स हो जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील। अभी जब मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाऊंगी तब हम इसको और अच्छे से और क्लियर करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लेते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील के अंदर इसका उद्गम स्थल है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी फिर आ जाती है बांग्लादेश में, और पहले तो ये क्या हिमालय के समानांतर बहती है, और तिब्बत के अंदर इसका नाम होता है सांपो नदी। क्या नाम होता है, सांपो नदी। और ये कहाँ पर बहती है, हिमालय के समानांतर बहती है, लेकिन नमचा पर्वत के आकर के अंदर उत्तर की तरफ ये मुड़ जाती है, उत्तर से ये मुड़ जाती है और यू आकार के अंदर बिल्कुल मुड़ने के बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर आ गई, अब अरुणाचल प्रदेश में आ गई। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तिब्बत चाइना से इसका स्टार्ट हुआ था और अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ गई। और अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ गया बिहांग नदी, जो कि पहले क्या नाम था इसका, सांपो नदी, और सांपो नदी का अब नाम पड़ गया बिहांग नदी। और अरुणाचल प्रदेश से यही बिहांग नदी वापस कहाँ जाती है, असम में आ जाती है, और असम में वापस इसका नाम आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, और असम के अंदर आकर के वापस ये बांग्लादेश में आ जाती है। हमारी बांग्लादेश के अंदर पहले से कौन सी नदी है, अभी बताया ना बांग्लादेश में अपनी कौन सी नदी है, गंगा नदी है, जिसका नाम भागीरथी और भागीरथी से होती है पद्मा। तो जो कि गंगा नदी हमारे उत्तराखंड से जहाँ पर उद्गम हुआ था दक्षिण में आई, पूर्व में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, और होती हुई पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से ये वापस कहाँ गई, अपनी बांग्लादेश में आ गई। और बांग्लादेश में तो अपनी भागीरथी है पद्मा के रूप में, लेकिन उधर तिब्बत से, चीन से ब्रह्मपुत्र नदी भी आ गई, और ब्रह्मपुत्र नदी वहां से आती हुई फिर नमचा पर्वत से मुड़ती हुई यू आकार में आती हुई पहले तो अरुणाचल प्रदेश में आई, फिर असम में आई, और असम से वापस कहाँ पे आ गई, बांग्लादेश में आ गई। और बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो गया जमुना नदी। आ रहा है बच्चों आपको समझ में। अब बांग्लादेश के अंदर क्या हो गया, दोनों नदियां हो गई, पद्मा नदी और जमुना नदी। पद्मा नदी मतलब गंगा नदी और जमुना नदी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी। अब बांग्लादेश के अंदर ये दोनों मिक्स होती है, कौन सी, पद्मा और जमुना। पद्मा कौन सी है, गंगा नदी, और जमुना कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये दोनों यहाँ पर मिक्स हो जाती है, उधर कौन सी अपनी पश्चिम बंगाल में कौन सी थी, हुगली नदी। अब ये हुगली नदी और पद्मा नदी और जमुना नदी ये तीनों फिर मणिपुर के निकट आकर के मेघना नदी के रूप में जाने जाते हैं। किस नदी के रूप में जाने जाते हैं, मेघना नदी के रूप में। और फिर मणिपुर के अंदर आगे जाकर के मेघना नदी के रूप में ही बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। आया बच्चों समझ में।
अपन अपने क्या पढ़ा, गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र के अंदर अभी अपने सिर्फ मुख्य गंगा नदी के बारे में पढ़ा है। अभी हम इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी अपन इसकी सहायक नदियां पढ़ना बाकी है। सहायक नदियों के अंदर आपने देखा ना यहाँ पर यमुना, घाघर, गंडक, कोसी, ये सारी नदियां गंगा नदी में किस प्रकार मिक्स होती है ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ में अपन पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लेकिन आज अपन ने अभी इतना देख लिया कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से हुआ, और गंगोत्री नदी में गंगोत्री हिमनद से तो भागीरथी नदी, और सतोपद हिमनद से अलकनंदा के रूप में आई। फिर देवप्रयाग में गंगा नदी हुई, हरिद्वार के अंदर मैदानी इलाकों में आई, फिर दक्षिण के अंदर आई, फिर पूर्व के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल में आई। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में गई, और बांग्लादेश के अंदर फिर कौन सी नदी आ गई, बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी आ गई। ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा नदी, पद्मा मतलब गंगा और जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदी यहाँ पर मिल गई उधर से, जो कि पश्चिम बंगाल की हुगली नदी भी आ गई, और ये तीनों मणिपुर के अंदर मेघना नदी के रूप में जाने गई और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर गई। अभी हमने गंगा नदी तंत्र का मात्र एक भाग पढ़ा है, अगले वीडियो के अंदर अपन इसके और भाग भी पढ़ेंगे। अब बच्चों यहाँ पर एक बात और समझाने की है कि जब ये नदी गंगा नदी समुद्र में गिरती है तो उसके मुहाने पर काय का निर्माण करती है, जी हाँ डेल्टा का निर्माण करती है। नदियाँ समुद्र में गिरने से पहले त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा का निर्माण क्यों करती है, क्योंकि जब नदियाँ बह करके आती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और घास भी लेकर के आती है, और उनका ढलान रहता है। लेकिन जब ये समुद्र के किनारे पर आती है तो इनका ढलान कम हो जाता है, मैदान आ जाता है, और ढलान कम होने की वजह से इनकी जो गाद लेके आती है, मिट्टी लेकर के आती है, वो वहाँ पर निक्षेपित होती है, जमनी जाल हो जाती है और टीले बन जाते हैं, जिससे जो नदी आई थी वो कई सारे भागों के अंदर बढ़ जाती है और ट्राइंगुलर शेप ले लेती है। इसी को अपन डेल्टा कहते हैं। तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और यहाँ पर एक बात और जाननी होगी कि इसको सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं। इसको सुंदरबन डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष है, इसलिए इसको सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। तो बच्चों देखो, जब बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरेगी उसके पहले क्या होगा, उसके मुहाने पर क्योंकि अपने साथ बहुत सारी गाद लेकर के आई है तो यहाँ पर इस तरह से टीले बन जाएंगे, और ये गंगा नदी इस तरह से फैल जाएगी और फैल करके डेल्टा का निर्माण करेगी। और सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और डेल्टा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। क्यों उपजाऊ होता है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ बहुत सारी गाद लेकर के आती है। तो आगे आपको समझ में, गंगा नदी जो कि गंगोत्री और सतोपद हिमनद से स्टार्ट हुई थी, बीच के अंदर बांग्लादेश के अंदर इसमें भागीरथी नदी भी मिल गई, और अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम हो गए, और फाइनली बंगाल की खाड़ी के अंदर आके मिल गई। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसने सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर अपन गंगा नदी की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, और गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, यमुना, घाघर, गंडक, कोसी, ये तो सब हिमालय से निकल रही है, और अपने इधर से आ जाएगी चंबल, बेतवा, कैंसोन और ये सारी नदियाँ। तो इन सब के बारे में अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।